रायपुर नगर निगम में भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। अविश्वास प्रस्ताव को मंगलवार को लेकर इस प्रस्ताव को लेकर एक बैठक आयोजित की गई और बैठक के बाद निर्णय अब शीर्ष नेतृत्व और संगठन पर छोड़ दिया गया है। इधर महापौर एजाज ढेबर ने दावा किया कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आया भी तो वो गिर जाएगा क्योंकि बहुमत हमारा है। शहर में हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि विशेष जाति को टारगेट करके ये किया गया है। महापौर को जानकारी दिए बिना ये कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ और रायपुर नगर निगम के महकमे से जो खबरें तेज है वह देखने लायक है। रायपुर नगर निगम का जो विपक्ष है वह अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और इसको लेकर वह कह रहे हैं कि अब अपनी संगठन से चर्चा करने के बाद ही इस पर कहेंगे, लेकिन महापौर को इस्तीफा देना चाहिए। तमाम खबरों को लेकर महापौर एजाज ढेबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। इस्तीफा, अविश्वास प्रस्ताव, तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं? पूरी तरीके से मैं इनकार करता हूँ और अविश्वास की जहाँ तक की बात है अविश्वास उनको लाना चाहिए, क्यों नहीं लाए? अविश्वास के कुछ नियम है, उसकी कुछ अपने उसका पालन करो। जो अविश्वास प्रस्ताव के जितने वो बने हुए हैं उसका पालन करो, उसके बाद फिर लाओ अविश्वास प्रस्ताव। ऐसा थोड़ी है अविश्वास बोलने से अविश्वास हो जाएगा। सबसे पहली बात तो अविश्वास का आपको पूरी तरीके से जो उसके गाइड है, जो गाइडलाइन है, उसको पूरी तरीके से परिपालन करो, उसके बाद फिर करो अविश्वास। कांग्रेसी महकमे के कुछ पार्षद हमारे खेमे में हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही। मैं भी बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के 5 पार्षद मेरे संपर्क में हैं और वो लगातार मुझे बोल रहे हैं कि जब वोटिंग होगी तो आप देख लेना, हम लोग आपको वोट करेंगे। क्या रहेगा आप लोग का आगे का, क्योंकि बीजेपी के पार्षद दल तो उतर चुके हैं मैदान में, इस्तीफा दो नारा लगा रहे हैं लगातार। हम लोग भी उसमें हैं, हम लोग के उनके कहने से ये अभी पहले से मैं इस्तीफा मांग रही, तो मेरे से 4 साल से इस्तीफा मांगने और अभी जिसको अपन लोग क्यों इतना गंभीर मान रहे हैं, वो तो 4 साल से इस्तीफा मांगने। तो ये इस्तीफा और इस्तीफे की कहीं कोई बात नहीं है, हम पूरे 5 साल को चलाएंगे और जो भी काम होगा पूरी तरीके से काम को अच्छे से करेंगे और ऐसा नहीं है, जितने भी नियम हैं उसका पूरी तरीके से परिपालन करेंगे। तो पूरी तरीके से विरोध किया है इन्होंने जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है, उसके अलावा जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कई तरीके की बातें महापौर एजाज ढेबर ने कही हैं। विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, वही छत्तीसगढ़ में अभी जो बुलडोजर पॉलिटिक्स आप देख पा रहे हैं वह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। देखने वाली बात होगी कि सरकार बदलने के बाद, बीजेपी को जीत का सहरा पहनाने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता को राजनीति के और नए नए क्या रूप देखने को मिलते हैं। कैमरामैन रिजवान के साथ मोनिका दुबे, आई न्यूज़ 24x7।